आपने देखा, आपको भी अगर इस टाइप का वीडियो बनाना है, आपके पास जितना सारा फोटो है सब मिला के अगर आप भी इस टाइप का एक स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो तो बस 2 मिनट में आप बना सकते हो, बस 2 मिनट में। और पता ही होगा आपको कि ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, मतलब मेरा वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं चल रहा है, जो बैकग्राउंड में सॉन्ग यूज़ किए हैं वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप बस 2 मिनट में वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल का स्क्रीन में। मोबाइल के स्क्रीन में जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर प्रेस कीजिएगा, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक भी जरूर कीजिए। सो फ्रेंड्स, मोबाइल स्क्रीन में आने के बाद सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना होगा बीट सिंक, ठीक है। जैसे ये आप सर्च कीजिएगा, देखिए एप्लीकेशन आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड करके रखा है तो इसलिए ये ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है डाउनलोडेड। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन जैसे ही कीजिएगा आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे देख सकते हैं, एक तरफ वीडियो का ऑप्शन है, एक तरफ फ़ोटो का ऑप्शन है। तो इसमें आप क्लिक कीजिएगा। इसमें जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका जितना सारा फ़ोटो है वो सब आ जाएगा। अभी मैं 4 फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैं 4 फोटो सेलेक्ट कर लिया, और ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन है। तो ये नेक्स्ट वाला आप क्लिक कीजिएगा। तो देखिए, जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस टाइप का इंटरफेस आएगा। नीचे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, तो इसको आपको स्क्रॉल करना है, ऐसे साइड स्लाइड करना है। तो जैसे स्लाइड करते जाइएगा, देखिएगा एक जगह लिखा हुआ रहेगा, देखिए पिंक कलर का है, स्वीट लेंस। तो इसको आपको क्लिक करना है, देख सकते हैं ये चीज़ आपको रखना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ नीचे यहाँ पे देखिएगा कि काइन मास्टर का एक ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको आप क्लिक कीजिएगा। इसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा। तो इस ऑप्शन में आपको ओके करना होगा। तो चलिए मैं ओके कर देता हूँ। तो डायरेक्ट आपका फ़ोन में काइन मास्टर ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा लोडिंग होने में टाइम लग रहा है, तो देखिए अभी काइन मास्टर ओपन हो गया। इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपका डायरेक्ट काइन मास्टर ओपन हो गया। और उसके बाद आप थोड़ा सा बैक कीजिए, ठीक है। बैक करने के बाद अभी क्या कीजिएगा, सबसे पहले न्यू में जाइएगा। न्यू जाने के बाद आप स्टेटस बनाना चाहते हैं तो बीच वाला क्लिक कीजिएगा। बीच वाला जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए फ़ोटो सेलेक्ट करने बोल रहा है। तो मैं चलिए एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, बस एक फ़ोटो, ठीक है। तो चलिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट किया, उसके बाद राइट क्लिक। उसके बाद आपका करना क्या होगा, ये देखिए सेटिंग का ऑप्शन है, तो उसमें मैं क्लिक करूँगा। सेटिंग में क्लिक करने के बाद नीचे देख सकते हैं एडिटिंग का ऑप्शन है, तो इसमें क्लिक कीजिएगा। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ जो आपका है ड्यूरेशन, इसको आप घटा के और घटाइए। घटाने के बाद 0.5 में लेके आइएगा। उसी तरह नीचे का जो है वो भी आप 0.5 में लेके आइएगा। देखिए हो गया। उसके बाद ऊपर में राइट क्लिक क्लिक कर दिए। उसके बाद आपका जितना सारा फ़ोटो है आप सब सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मीडिया में जाता हूँ। मीडिया में जाने के बाद जितना सारा मेरा फ़ोटो है, इस फ़ोटो को छोड़ के सारा फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ। तो चलिए मैं राइट क्लिक कर देता हूँ। देखिए सारा फ़ोटो मेरा आ गया। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। उसके बाद स्टार्टिंग कीजिएगा। इसमें अभी म्यूजिक लगाना है, तो म्यूजिक लगाने के लिए तो आपको पता ही होगा, तो मेरे पास जो म्यूजिक है वो वीडियो में है। तो चलिए मैं लेयर में जाता हूँ। लेयर में जाने के बाद यहाँ मीडिया, मीडिया में जाने के बाद मैंने उसे इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया था, तो इंस्टाग्राम फोल्डर में होगा। तो चलिए मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ पे, ये रहा, मिल गया। तो ये देख सकते हैं ये वाला वीडियो फॉर्मेट में है। तो चलिए मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद जैसे ही आ जाएगा तो देख सकते हैं ये वीडियो फॉर्मेट में है, तो इसको ऑडियो करना है। तो ऑडियो करने के लिए इधर देखिए इतना सारा ऑप्शन ओपन हो गया। तो चलिए मैं स्क्रॉल करता हूँ, नीचे देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, देखिए एक्सट्रैक्ट ऑडियो, ठीक है। तो इसमें आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद देखिए आपका ऑडियो एक फाइल अलग से बन गया। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये आपका ऑडियो फाइल अलग से एक बन गया, और ऊपर में जो है वो आपका वीडियो है। तो चलिए मैं इसे इस वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए डिलीट हो गया। तो देखिए आपका वीडियो से ऑडियो निकल गया और वीडियो हट गया। तो अभी आप लोग म्यूजिक के साथ कैसे मिलाएंगे, तो सबसे पहले चलिए इसको मैं प्ले करता हूँ। तो देख सकते हैं कि म्यूजिक के साथ मिलाने के लिए आपको थोड़ा सा म्यूजिक प्ले करना होगा। तो चलिए मैं प्ले कर देता हूँ। यहाँ पे बीट शुरू हो रहा है। तो चलिए और थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ और फिर से प्ले करता हूँ। यानी यहाँ पे आपका बीट शुरू हो रहा है, ठीक है। ये पहला वाला जो मैंने फ़ोटो लिया था, बड़ा फ़ोटो, तो इसको मैं पकड़ूँगा। पकड़ के यहाँ कैंची का जो ऑप्शन है, यहाँ जाके मैं ट्रिम कर दूंगा, काट दूंगा। तो देखिए काट देने के बाद अभी हमको इतना ही चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। तो इसको आप पकड़ लीजिए, पकड़ लेने के बाद यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए। तो अभी चलिए मैं एक बार प्ले करके देखता हूँ। तो देखिए सेम मिल गया।
थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और इस फोटो को और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, हल्का सा। अब प्ले करके देखता हूँ तो देखिए टाइम पे चेंज हो जा रहा है, जैसे ही म्यूजिक आ रहा चेंज हो रहा है। लेयर में जाना होगा, लेयर में जाके आपको मीडिया सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में क्लिक करना होगा, एक वाइट कलर आपको लेना होगा। ये जैसे ही ले लीजिएगा उसके बाद यहाँ पकड़ के आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, मतलब पूरा स्क्रीन में बड़ा कर लीजिएगा। बड़ा करने के बाद यहाँ राइट क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद इसको आप पूरा बड़ा कर दीजिएगा, जितना आपका ये फ़ोटो है उतना बड़ा कर दीजिएगा। तो चलिए मैं पकड़ के इतना बड़ा कर दिया। करने के बाद आप क्या कीजिएगा, ये वाइट जो आप लेयर लिए इसको पकड़िएगा। पकड़ने के बाद इसमें देखिए सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन है ओवरऑल एनिमेशन, तो ओवरऑल एनिमेशन में क्लिक कीजिएगा और देखिए थर्ड वाला ऑप्शन जो फ्लिकर लिखा हो उसमें क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का एनिमेशन होगा। तो चलिए इसको राइट क्लिक कर देता हूँ और मेरा जो फोटो है देखिए थोड़ा क्रॉप है, तो चलिए मैं फ़ोटो को थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। तो कांची का जो बगल में ऑप्शन है इसको क्लिक कीजिएगा, इसको क्लिक करके आप फोटो को बड़ा कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन में पूरा फुल स्क्रीन में। और यहाँ पे जो ऑप्शन है बराबर टाइप का इसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि फ़ोटो जूम आउट इन ना हो। तो चलिए अब देख लेते हैं, तो देखिए कितना अच्छा से एनिमेशन स्टार्टिंग का हो गया। अब उसके बाद ये सब में कैसे एनिमेशन लगाए ये आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं क्लिप ग्राफिक्स, तो इसमें क्लिक कीजिएगा। हम लोग जो डाउनलोड किया है, हम लोग पहले जो काइन मास्टर वो बीट सब था, वो बीट सब यहाँ पे आ जाएगा, देखिएगा स्वीट लाइस बोल के लिखा हुआ रहेगा। तो इसमें क्लिक कीजिएगा, इसमें क्लिक करने के बाद सेकंड नंबर वाला यानी दो नंबर में जो उसमें क्लिक कीजिएगा, फिर राइट क्लिक, फिर उसके बाद दूसरा वाला जो मेरा फ़ोटो है उसमें भी आप ऐसे ही क्लिक कीजिएगा। तो चलिए क्लिप में जाते हैं, क्लिप में जाने के बाद दूसरा नंबर, ठीक इसी तरह आप सारा फ़ोटो को इस तरह से आप लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स फाइनली सब में मैंने लगा दिया, ठीक है क्लिप। उसके बाद आप फ़ोटो सब देखिएगा कि कहीं पे अगर क्रॉप है फ़ोटो तो उसको फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको अभी स्टार्टिंग से प्ले करके दिखा देता हूँ। और जितना मैं आप क्लिप जितना सारा आप क्लिप लगाएं याद रखिएगा क्लिप ग्राफिक्स जो है आप सब दूसरा नंबर वाला यूज़ कीजिएगा, सब में एक ही एनिमेशन होने से देखने में और अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा प्ले करके दिखा देता हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स आप वीडियो बना सकते हैं बस दो मिनट में। आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपना फैमिली का बाय बाय एंड टेक केयर।